जब तेरा राम की भीख मांगने से पहले ही मैं बता दूं कि दानव हूं भगवान नहीं बल्कि रावण हूं मैं राम। दिनेश कुमार है जी। हाँ जी, जगह का नाम क्या है? ये टकोर गार्डन पितारपुर है। रावण मतलब ये हर साल यहीं पे बनता है? हाँ जी, हर साल बनते ही है, हर साल। ये आज से नहीं बन रहे, आज हो गए इनको 30-40 साल हो गए इनको बनते हुए। दिवाली से कितने दिन पहले शुरू करते हैं रावण दहन? ये इनका है दशहरे, दशहरे को होता है ये शुरू तक होता है ये, मतलब होते हैं दो दो तीन तीन महीने पहले बनना चालू हो जाते हैं ये लड़के। दो दो महीने कहता हूँ क्या, हम रात दिन काम करते हैं यहाँ पे। हाँ, बहुत मेहनत का काम है। हाँ बहुत जी, बहुत मेहनत का काम है। ये 5-10 मिनट के बस पटाखा फोड़ देंगे। हाँ, ये 5-10 मिनट का ही होता ही है, तो जो भी होता है। सबसे मतलब शुरुआत में कितने छोटे से लेकर बड़ा? ये देखो, ये 5 फुट से लेके 50-60 फुट तक होते हैं। सबसे बड़ा 60? हाँ, 60 फुट तक। तो वैसे 80 फुट का भी बन रहा है, तो पीछे वाले पार्क में बन रहा है, वो गाँव के लिए बन रहा है। रेट क्या है, मतलब कोई लेना चाहे तो किसी से? इनके देखो फुट के हिसाब से भी होते जी, और वैसे भी होता है। ये 15,000 रुपये का, 20,000 रुपये का, वैसे जैसे रावण जैसे चेहरा बोलते हैं, जैसे रावण होता है वैसे फिर प्राइस बोले जाते हैं उनके। पटाखा जो लगाते हैं वो अलग से? वो अलग से है, जैसे वो ये गाड़ी जो भी होती है, गाड़ी वाड़ी का। हाँ जी, वो हम नहीं भेजेंगे। देखो जो होता है ना, कन्वेंस होती है जो, वो करवा देंगे, वो किराया विराया जो आपको देना पड़ेगा। हाँ, ये खाली बस जो रावण के जो पुतले होते हैं ना, सारा पटाखा लगा के तो सब कुछ करा के नहीं, वो नहीं करते जी, वो नहीं करते। हाँ, उसके लिए अलग से होगा। हम खाली ये पुतला बना के देंगे, अच्छी तरह से सजा के, जो धड़ घाघरे वागरे होते हैं वो बना के देंगे। उसके बाद में जो भी है वो आपको करना पड़ेगा उसमें। दिल्ली जाते हैं? दिल्ली से बाहर भी जाते हैं, यूपी या अपने गाजियाबाद, पता नहीं, हरियाणा वरियाणा। हाँ हाँ हाँ, जाते ही है वो खुद ले जाके ज़्यादातर, और 2-3 दिन पहले ले जाके और सजाते वो। पार्क के अंदर तो बहुत सारे हैं, कम से कम 100-200 होंगे। नहीं, ये होंगे 50-60 होंगे ये। हाँ, ये सारे बुकिंग के होते हैं ये।
ये हर साल बुक करवाते हैं वो।